This Lallantop video is sponsored by Winzo. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स, तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम. डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com. गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है. जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें. 2015 में बिसहड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग के बाद देश भर में तीखा विरोध हुआ था. बीजेपी के नेता रविवार को जब इस गांव में कार्यक्रम करने पहुंचे तो तीखा विरोध उन्हें भी झेलना पड़ा. मोहम्मद अखलाक हत्याकांड के लिए सुर्खियों में रहे गौतम बुद्ध नगर के बिसहड़ा गांव में बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध हुआ. वेस्ट यूपी के बीजेपी प्रेसिडेंट मोहित बेनीवाल को बिसहड़ा में रविवार को एक सभा को संबोधित करना था. वे इसके लिए गांव पहुंचे लेकिन लोग विरोध में उतर आए, जमकर प्रदर्शन किया. बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. काफी मशक्कत और नेताओं के समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए. आज तक संवाददाता के मुताबिक यूपी की बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर मोहित बेनीवाल को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर में 3 जनसभाएं करनी थी. नोएडा में जनसभा करने के बाद बेनीवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बिसहड़ा गांव पहुंचे. वे मंच पर पहुंचे ही थे कि ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया. गांव के युवक भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. तमाम लोग जनसभा छोड़कर जाने लगे. इसके बाद स्थानीय भाजपा नेताओं ने लोगों को समझाया बुझाया, तब जाकर किसी तरह से जनसभा हो सकी. गांव के लोग योगी सरकार से 2 वजहों से काफी नाराज हैं. पहली वजह, करीब 3 महीने पहले गौतम बुद्ध नगर में दनकौर ब्लॉक को खत्म कर दिया गया है. अब यहां से 3 पंचायत क्षेत्र दादरी, बिसरक और जेवर बची हैं. इनका परिसीमन करते वक्त दादरी ब्लॉक के गांव को निकालकर बिसरक ब्लॉक में शामिल कर दिया गया है. यह गाँव ज्यादातर ठाकुर बाहुल्य है. ग्रामीणों का आरोप है कि इसके पीछे ठाकुर समाज की राजनीतिक शक्ति को कम करने की साजिश है. नाराजगी की दूसरी वजह, नए परिसीमन के हिसाब से जिला पंचायत के वार्ड नंबर 1 को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व करना है. गोमांस के शक में हुई थी अखलाक की लिंचिंग. दादरी क्षेत्र का बिसहड़ा वही गांव है जो 2015 में मोहम्मद अखलाक की हत्या को लेकर सुर्खियों में आया था. 28 सितंबर 2015 को भीड़ ने 52 साल के मोहम्मद अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी थी. हत्या करने वालों को शक था कि अखलाक ने घर में गौमांस रखा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस घटना को लेकर काफी हंगामा भी मचा था. मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कई हस्तियों ने अपने अवार्ड्स तक लौटा दिए थे. आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने. मेरा नाम है दिव्यांशी. देखते रहिए दी लल्लनटॉप. शुक्रिया. आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत. देखिए दी लल्लनटॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे.